जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ बस यही है कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है। रिसेंटली अभी आम रेसलिंग के वर्ल्ड्स हुए हैं उस वाले से, तो जैसे कि जो रिजल्ट आया वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अपोजिट है, ख़ासतौर पर मेरी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अपोजिट है। बहरहाल उन प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। जाहिर सी बात है वर्ल्ड्स खेलने के लिए जा रहे हैं तो एक प्रेशर होता है बंदे के ऊपर कि यार मैं वर्ल्ड्स खेल रहा हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से 100% जो है ना वो परफॉर्म किया, और देखा जाए तो वो पाकिस्तान के बेस्ट आर्म रेसलर्स हैं अपनी वेट क्लास के अंदर। तो हमें उनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना, मोटिवेट करना है। उन्होंने हम सबको बहुत, मुझे खास तौर पे इन्होंने बड़ा मोटिवेट किया कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम है वो जाना है वर्ल्ड्स खेलने के लिए। अब ना एक बैरियर ब्रेक हो गया और हम सबके लिए जो है ना, सबके लिए एक जो है ना वो डायरेक्शन इन्होंने दे दिया है। जैसे अली खान ने जो है वो परफॉर्म किया, वो अली खान लास्ट मैच जीत सकते थे बहुत इजीली, जो है ना अली खान पुल कर रहे थे, बट अनलकीली फाउल हो गया और अली खान वो मैच लूज कर गए। तो वो एक बड़ा अच्छा आर्म रेसलर है और काफ़ी फेमस भी है। तो हमें अपनी जो है ना एक पावर का अंदाज़ा हो गया कि हमें ना अपनी स्टेज का, अपनी लीग का अंदाज़ा हो गया कि हम यहाँ पर फॉल करते हैं। अब इसको हमने इम्प्रूव करना है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेरे नज़दीक जो आम रेसलिंग को आगे नहीं ना जाने दे रही चीज़ वो यही है कि यहाँ पर अगर हम किसी को थोड़ा सा तरक्की करता देख लें या थोड़ा सा आगे बढ़ता देख लें तो हम ना उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी कौम होने का हम सबूत देते हैं। हम ना ब्रॉड माइंडेड जो है ना वो नहीं सोचते, मैं बड़ी नैरो माइंडेड हमारी सोच है। हम ये कहते हैं कि अगर हमने उसे आम रेसलिंग सिखा दी, किसी भी जो थोड़ा सा अच्छा आम रेसलर हो और किसी दूसरे एरिया से हो तो हमने से सिखा दी, कल को ये हमें ही आके जो है ना वो पंजा, हम हमारे सारे प्लेयर्स को पंजा रहा देगा। तो उसे आम रेसलिंग नहीं सिखाते, टांग खींचते एक दूसरे की, प्रमोट नहीं करते एक दूसरे को, मोटिवेट नहीं करते कि यार कल को ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये अच्छा प्लेयर है तो इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अगर हमें ना इन सब चीज़ों से बाहर निकल के सोचना चाहिए, खास तौर पे सीनियर्स को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर एक आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसकी टांग ना खींचे। हर क्लब के आगे लड़कों को जो है ना वो पंजा रहा देगा, ये देखें कि अगर वो अच्छा प्लेयर है तो कल को उसने वर्ल्ड्स खेलने हैं तो वो इनशाला जो है ना वो वहाँ पे वर्ल्ड्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान की तरफ से खेलेगा। बाकी एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो है इंजरीज की। इंजरीज को किस तरीके से जो है ना रिकवर करना है और दोबारा से आम रेसलिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है, इस चीज को बस ये चीज देखी जाती है। हमने जिम में जाना है, वेट उठाना है, जोर लगाना है, और जब हमने टेबल पे जाना है एक इंजरी निकल आती है, उस चीज को अब किस तरीके से हैंडल करना है, इस चीज को लेके जो है ना वो बड़ी जो है ना मामला खराब है पाकिस्तान में। बड़े अच्छे आम रेसलर्स जो बस इस चीज को नहीं, उनको आइडिया नहीं था, उनको इलम नहीं था है कि हमने इंजरीज को किस तरीके से टैकल करना है, वो इस वजह से जो है ना वो पीछे हो गया है। टेक्निकल थोड़े से फॉल्ट्स हैं, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो है ना वो नॉलेज की कमी है। बड़े बड़े पाकिस्तान में अच्छे आर्म रेसलर्स और जो है ना उनके पास बड़ा बड़ा नॉलेज है, मौजूद है। उनको ये ग्रुपिंग से बाहर निकल के ये सब चीज़ें जो है ना वो हर एक के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान ग्रो हो, पाकिस्तान की आर्म रेसलिंग कम्युनिटी ग्रो हो। एक छोटी सी कम्युनिटी है उसके अंदर भी बड़े ज्यादा क्लैश है, हमारे आपस में लोकल लेवल पे बड़े ज्यादा क्लैश है। हम क्या वर्ल्ड के अंदर रिप्रेजेंट करें खुद को बेहतर से बेहतर। तो इनशाला अब एक जो है डायरेक्शन वो बता दिया, अब ये पार्टिसिपेट करने से वर्ल्ड में, तो इनशाला बड़ी उम्मीद है अल्लाह खैर करेगा इनशाला नेक्स्ट टाइम। मैं भी सोच रहा हूँ और भी बड़े जो है आर्म रेसलर्स पाकिस्तान में हैं जो सोच रहे हैं हमने भी वर्ल्ड खेलने इनशाला, और अपना जो है ना वो बेस्ट परफॉर्म करना है, तो इनशाला अल्लाह खैर करेगा। ये थोड़े से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे वर्ल्ड्स के हवाले से भी, और पाकिस्तान में आम रेसलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं हो पा रही है उस हवाले से। तो जो हमारे सीनियर्स हैं वो बस इसको थोड़ा सा टैकल करें अच्छे से, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, सब बेहतर हो जाएगा। जजाकअल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।